तो की हाल चाल सस्त्रिया काल। अरे माँ चुदी पर ही है। इस कोरोना वाले माहौल में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल एंड सेक्स विद हर। इट्स हर चॉइस बट इट्स माई चॉइस टू फक हर। खैर ये 21 दिन के लॉकडाउन के बाद मैं बैठकर यूट्यूब चला रहा था और मैंने देखा पड़ोस की लड़की को पटाने का जादुई तरीका। एक मिनट में लड़की सेट। चलो आओ देखें कैसे पटती है पड़ोस की लड़की। आज हम बात करने वाले हैं कि पड़ोस की लड़की को कैसे पटाएं। तो अगर आपकी पड़ोस की कोई लड़की है जो कि आपको पसंद आ गई और आप चाहते हो उसको पटाना, पहले यहां पर बात ध्यान से सुनो कि पड़ोस की लड़की पटाने से पहले आपको उसके घर वालों को पटाना होगा, क्योंकि पड़ोस की लड़की और बाहर की लड़की पटाने में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि वहां पर तो भैया कोई रोल होता ही नहीं है माँ बाप का, लेकिन पड़ोस में रोल होता है और बहुत बड़ा रोल होता है। अब या तो तुम यहां पर उसके मम्मी पापा को अपने खिलाफ कर लो या अपनी टीम में कर लो। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी टीम में करना है। अच्छा, अपनी टीम में करने के बाद वो तो तुमसे ये कहेंगे ना, दामाद जी ये लो मेरी लड़की का हाथ, वो रहा कमरा, जाओ गुलू गुलू करो जाके। और लड़की की पसंद ना पसंद तो मैटर ही नहीं करती, बस तुम घर वालों को पटाओ। दूसरा काम है रोज आने जाने का बहाना ढूंढो। मादर चोद, रोज रोज आने जाने के बहाने ढूंढो, और कोई काम है ही नहीं। सुबह उठो पड़ोस की लड़की पटानी है, रात को सोने से पहले पड़ोस की लड़की पटानी है, और बहाने भी कैसे होंगे। आंटी जी वो बंदर मेरी फटी चट्टी आपकी छत पर डाल के आए, तो क्या आप अपनी लड़की से मंगवा देंगी। और आंटी कहेंगी हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम चड्डी क्या तुम हमारी लड़की भी लेके जाओ। अरे नहीं आंटी। अरे बेटा फटी चड्डी सिलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। एक बार फिर, लड़की की पसंद ना पसंद मैटर ही नहीं करती, उसका बॉयफ्रेंड है नहीं है, बस तुम उसके घर वालों को पटाओ। मम्मी के करीब कैसे आना है वो सुनो। मम्मियों को आंटियों को इनको क्या पसंद होता है, पॉलिटिक्स पसंद होती है कि उसकी मम्मी ने ये कर दिया है वो तो है ही ऐसी, फलानी ने ये कर दिया तो है ही ऐसी, नया फ्रीज लेकर आई और बहुत दिखा रही थी कि मैंने ये कर दिया, पता नहीं जैसे क्या ही कर दिया हो। तो आपको थोड़ी चुगली सुननी पड़ सकती है, थोड़ी करनी भी पड़ सकती है आहिस्ते से। भोसड़ी क्या अब लड़की पटाने के चक्कर में लोगों की चुगलियां करते घूमे क्या, कुछ ईमान धर्म है कि नहीं है कि सब बेच खाए हो लड़की पटाने के चक्कर में। अब आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो, कभी सब्जी लानी हो सब्जी काटनी हो तो आपको छोटे मोटे काम करते रहने होंगे। भोसड़ी के इस वीडियो का नाम पड़ोस की लड़की कैसे पटाए की जगह होना चाहिए था पड़ोस का नौकर कैसे बने वो भी फ्री में। और यहाँ पर सबसे मेन बात पता है क्या होगी कि उसके घर वालों से एक प्रेशर आ रहा होगा कि लड़का कितना अच्छा है, लड़का ये काम भी करता है। उसके पापा कहेंगे लड़का कितना अच्छा है, लड़का एकदम सीरियस हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम बड़ा हो गया है, कि बड़ी बड़ी बातें करता है, देखो उससे कुछ सीखो ये वो। तो कुल मिलाकर जब तीनों तरफ से प्रेशर आएगा ना तो लड़की हाँ कर ही देनी है। अच्छा अब तुम लोग सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कहते हैं हमारे पड़ोस के बच्चे कितने अच्छे हैं, पर तुम मादरचोद गांडू हो, तुम्हें गांड मराने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो तुम्हें उससे प्यार होगा कि नफरत। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लड़का फैलाने को तैयार, लड़की फैलवाने को तैयार। तो तुम लोग क्यों गांड मरा रहे हो, तुम लोग आधी सी और चैनल को सब्सक्राइब करो और लगे हाथों उस बेल आइकन को दबाओ, धन्यवाद। अब मैं जो तुम लोगों को टिप बताने जा रहा हूँ ना, उसे यूज करने के बाद लड़की चाहे एटीट्यूड वाली हो या फिर अकड़ू, सामने से आकर आई लव यू बोलेगी, बस तुम्हें चाहिए लहसुन और एक काला धागा। मैं इस वीडियो में आप लोग को आज यह बतलाऊंगा कि लहसुन और काले धागे से किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष को आप हमेशा हमेशा के लिए कैसे अपने वश में कर सकते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मानती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अरे मादर चोद, कोई पड़ोस का नौकर बनवा रहा है तो कोई लहसुन और काले धागे से लड़की पटा रहा है। अगर ऐसे ही लड़की पटती तो मुझे नहीं पटानी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। ओके बाय। जो तू बेस्ट सोचे मेरा बेस्ट नहीं, कला की तस्करी पर अरेस्ट नहीं, शायद मेरे कॉन्टैक्ट सही, मैंने सुना कि वो कह रहे मेरा मैच नहीं, पर मैं लड़ रहा कहीं से कॉन्टेस्ट नहीं, ये सारे फैक्ट सही। मेरे पास तुम लोगों के लिए बोर ना होने के लिए एक टिप है, चुपचाप हिलाओ और सो जाओ।